हेलो दोस्तों उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने चार महीने जो बचे हैं एग्जाम के उसमें हम मैथ को कंप्लीट करें एल का नोटिफिकेशन आ गया है वैकेंसी आ गई फॉर्म आ गए और समय मिला कितना सिर्फ चार महीने और सीबीटी वन और सीबीटी टू के बीच में तो कुछ भी समय नहीं मिला है तो हमें एक ऐसी तैयारी लेकर चलनी है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसमें कि हम कम समय में पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है जिससे कि आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हैं मैं 2019 में सिलेक्टेड था अगर मैं अपने जोन की बात करूं तो मैंने एनसीआर से फॉर्म भरा था एनसीआर प्रयागराज डिवीजन से मैं सिलेक्टेड था ठीक है अभी भी मैं एलपी में हूं तो मैथ के जो वेटेज है वो भी बहुत अच्छा है सीबीटी टू से इस बार वो हट गई है जीके तो लगभग तीस नंबर की मैथ आ सकती है सीबीटी वन में बीस नंबर की मैथ आती आती है स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है उनके लिए मैथ नंबर खा जाएगी है ना वो समय ज्यादा ले जाएंगे इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की और साथ ही साथ सिलेबस में से किन चैप्टरों को आपको छोड़ना नहीं है कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है बिल्कुल इस समय तो आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है तैयारी शुरू करने के लिए जो जॉब कर रहे हैं जिनके पास डेली का समय नहीं है वो कोई सा यूट्यूब चैनल पकड़ लें जिसने कि एसएससी का पूरा सिलेबस या फिर आरआरबी आरबी की मैथ का पूरा सिलेबस करा रखा हो पहले ही चेक कर लेना कि उसने सारी वीडियो बना रखी है या फिर नहीं और जिनके पास समय है जो घर पर है जो जॉब नहीं करते हैं वो कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं वो उनकी मर्जी है प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए चैप्टर वाइज फार्मूले लिखने शुरू कर दें ठीक है ये नहीं कि तुम रफ में सॉल्व करे पड़े हो रफ में सॉल्व करे पड़े हो कोई फ़ायदा नहीं उसका डेली प्रैक्टिस कर रही है शादी आपके घर में है आपके दोस्तों की शादी है अटेंड करो बिल्कुल अटेंड करो सारी शादियां अटेंड करो सारे जन्मदिन पे जाओ पर जो आपने सोच रखा है कि मुझे डेली एक घंटा मैथ पढ़नी है या डेढ़ घंटा मैथ पढ़नी है तो वो पढ़ के जाओ बात खत्म आपकी शाम की शादी अटेंड करनी है आप सुबह पढ़ के जाओ कोई दिक्कत नहीं सवालों को सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर का प्रयोग तो गलती से भी ना करें वरना आपकी स्पीड में दिक्कत आ जाएगी अभी आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे पेपर में बैठ के सोचेंगे यार इसमें तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन है मैं कैसे सॉल्व करूं जितनी ज्यादा आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपने हाथों से उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी पेपर में पांच मिनट और कम समय लेंगे नए ट्रिक्स ज्यादा ना सीखें बच्चे इससे बेसिक तरीके से प्रैक्टिस करें बस प्रैक्टिस करें एक नहीं दस नहीं बीस सवाल करें पचास सवाल करें समझो आपको ट्रिक की जरूरत खत्म बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करना है बहुत ज्यादा नहीं करना डीप स्टडी बेसिक करना है सिंपल सवालों को सॉल्व करना है एल में ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते जो क्या कहते हैं सवाल होते हैं उनका लेवल इजी टू मॉडरेट होता है यानी ज्यादातर सवाल इजी होते हैं और कुछ मीडियम लेवल के होते हैं ठीक अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है कैसे बढ़ानी है जब आप सवाल सॉल्व करोगे जब आप सवालों को सॉल्व करोगे तो अपने आप बढ़ेगी कैलकुलेटर यूज मत करना ठीक है सिर्फ अपने हाथों से सॉल्व करते जाना सॉल्व करते जाना कैलकुलेटर भूल जाना बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्मूले में पुट करोगे डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे ऐड सब्रेड करोगे ना अपने आप स्पीड बढ़ती है बहुत जरूरी है पेपर में क्यों जरूरी क्यों है क्योंकि भाई साहब पिछहत्तर क्वेश्चन हैं और साठ मिनट हैं स्पीड नहीं बनाओगे तो छूट जाओगे पीछे और सिर्फ छप्पन सौ वैकेंसी है छप्पन सौ छियासी और इस बार सब कुछ अच्छा चाहिए ये नहीं कि आप में कुछ कमी है तो भी आप पास हो सकते हो नहीं कमियों को पूरा करना है अब अगला पॉइंट क्या है नए टॉपिक्स जैसे आपके सामने मैंसूरेशन चैप्टर आया अभी हम बात करेंगे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो मैं बताऊंगा मान लो आपके सामने टॉपिक आया मैंसूरेशन इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारे आपके सामने न्यू फार्मूले पड़ेंगे अब आप क्या करेंगे बचेंगे मैं कैसे करूं इन फार्मूलों को क्या करूं क्या नहीं करूं इस तरह से तो उनसे बचना नहीं है मान लो आपके सामने एक न्यू फार्मूला आया ए, ए, क्या बोलूं मान लो एक सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला आया ठीक है अब आपके लिए मान लो फार्मूला नया है ठीक तो आपको क्या करना है इसके एक नहीं दो नहीं दस सवाल करो और हर सवाल में जब भी सवाल रखो तो सवाल सॉल्व करने से पहले उस फॉर्मूले को लिखो उससे क्या होगा आप एक फॉर्मूले को जब दस बार लिखोगे ना आपको वो रट जाएगा बस यही एक तरीका है नए तरह के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने का याद रखने का क्या कि जो उनमें फॉर्मूला आ रहा है अगर वो आपके लिए नया है तो जैसे मान लो ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया इस बेसिस पे सवाल करने हैं तो आप डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करो ही मत वो तो बाद में हो ही जाएंगे अपने आप अभी आप क्या करो जब भी सवाल सॉल्व करो पहले वो फॉर्मूला लिखो पूरा फिर उसके बाद सॉल्व करो फिर आपको उन फॉर्मूलों में कंफ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से आपको वो याद हो जाएंगे जो भी बेसिक फॉर्मूला है जैसे मान लो ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरह से वो सब याद करो क्योंकि ये सारे फॉर्मूले पेपर में बहुत जरूरी होते हैं कैसे जरूरी होते हैं अभी मैं बताता हूं ये आ गया आपका सिलेबस ठीक है मैंने यहां पर लिखे हुए हैं सिलेबस में सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन कितने आते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम से मैंने लिख दिए एक से दो सवाल रेशियो प्रोपोर्शन से लिख दिए एक से दो सवाल परसेंटेज से लिख दिया एक सवाल आ सकता है टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस से एक या दो सवाल आ सकते हैं इस तरह से मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके ऊपर बिल्कुल मत जाना क्यों क्योंकि हर पेपर की हर शिफ्ट में ये चेंज होता रहता है मान लीजिए सुबह वाली शिफ्ट में एलियाबरा से दो सवाल आए और ज्योमेट्री से एक भी नहीं आया और क्या पता अगली ही शिफ्ट में शाम वाली शिफ्ट में जो ज्योमेट्री से दो तीन सवाल आ गए और एलियबरा से एक भी नहीं आया तो ये तो आप कोई ही नहीं कर सकता कि किस टॉपिक से हर सवाल हर शिफ्ट में इतने इतने सवाल आएंगे ये।, ये तो मैंने एक शिफ्ट ले ली और उस शिफ्ट के बेसिस पे एक दो शिफ्ट के बेसिस पे इस पर सवाल लिख दिए इस पर डिपेंड होकर आप तैयारी नहीं कर सकते हो अब मैं समझाता हूं आपको पेपर आता कैसे है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहला नंबर से पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्यों है मैं अभी समझाता हूं आपको नंबर सिस्टम से आपको एक नई दो नई तीन चार सवाल भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ए का जब पेपर बनता है तो वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनता है वो आई लेवल का हिसाब से बनता है अब आई लेवल के पेपर के हिसाब से अगर वो सवाल देने लग जाए कठिन कठिन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत बहुत कठिन सा सवाल निकाल के ले आए तो वो तो उस पेपर को कठिन बनाएगा है ना टाइम कंज्यूमिंग भी बनाएगा इसलिए उससे बचेंगे पर नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो वो बिना समय गवाए उस सही सवाल का सही जवाब दे देगा और जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रखा होगा वो उसमें शायद गलत जवाब टिक कर दे नंबर सिस्टम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दूसरे टॉपिक से भी रिलेट होता है और यही यहां पर होता है आपको डेसिमल से अलग फ्रैक्शन से अलग एस सी से अलग अलग सवाल देखने को नहीं मिलेंगे आपको एक लंबा सा सवाल मिलेगा जिसमें कि बॉर्ड मास का रूल भी लग रहा होगा जिसमें कि बॉर्ड मास का रूल भी लग रहा होगा इस वजह से बॉर्ड मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है क्योंकि एक नहीं दसियों चैप्टर के अंदर यूज होगा ठीक बॉर्ड मास की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको अब इसी में क्या होंगे नंबर्स में डेसिमल्स भी लगा देंगे भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करानी है उन्हें बॉड मास का रूल लगा के पर वो नंबर सिंपल क्यों देव पॉइंट इंटू सिक्स क्यों दे वो देंगे आपको प्लस थ्री पॉइंट सिक्स पॉइंटो भी में दे दिया यानी कि इसमें डेसिमल भी इंक्लूड हो गया इसको आप फ्रैक्शन में भी तो दे सकते थे फाइव पॉइंट फाइव को आप फ्रैक्शन में भी तो दे सकते थे इलेवन बाई टू भी तो लिख सकते थे फ्रैक्शन भी इसी में इंक्लूड हो गया है ना उन पॉइंटों के नंबर को आप ऐड कराकर दो नंबर को इधर ऐड कराया दो नंबर को इधर ऐड कराया और दोनों को एलसीएम भी तो निकलवा सकते थे SCF भी तो निकलवा सकते थे इस तरह से ये पूरा टॉपिक एक कंबाइंड टॉपिक बन जाता है आपको तो अलग अलग प्रैक्टिस करनी है पर जब आप पेपर देखोगे तो आप ये देखोगे कि भाई साहब इनसे अलग अलग सवाल नहीं आ रहे हैं एक ही सवाल ऐसा आ रहा है जिसमें कि दो तीन टॉपिक्स मिक्स हो जा रहे हैं है ना रेशियो प्रपोशन रेशो प्रपोर्शन से बहुत कठिन नहीं आता है इन्हीं में किसी में भी घुसा देंगे परसेंटेज फिर वही बात परसेंटेज को किसी भी सब्जेक्ट उस टॉपिक में घुसा सकते हो परसेंटेज को आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में नहीं घुसा सकते क्या बिल्कुल घुसा सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में क्या परसेंटेज का यूज नहीं होता पूरा पूरा होता है कि भाई कितना परसेंट ब्याज लगा कितना परसेंट फायदा हुआ प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ये सभी डिपेंड करते हैं परसेंटेज पर।, पर पर आपको अलग अलग पढ़ने होंगे आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये चैप्टर छोड़ दू ना मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं क्योंकि यहां पर बाईस टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में तो ऐसा नहीं है सबसे एक एक आएगा ना ऐसा हो सकता है कि क्या पता नंबर सिस्टम से तीन सवाल आए इन सब से मिलकर चार सवाल आ जाए और आप पहचान भी ना पाओ क्योंकि आप कहोगे ये तो डेसिमल भी है इसमें तो फ्रैक्शन भी है और इनका तो एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा हुआ है तो ये कंबाइंड फॉर्म में सवाल आ जाते हैं मैंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको पढ़ेंगे नए नए फॉर्मूले और आपको वो पढ़ने पड़ेंगे और वाकई में इससे सवाल पूछे जाते हैं तो मैं टॉपिक एक अच्छे से करना है आपको टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस किस दोनों में से किसी एक पर एक सवाल आ सकता है है ना क्योंकि ये एक अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं इन टॉपिक से इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस से चांस ज्यादा है देखते हुए कि ये एल का एग्जाम है ये एनटीपीसी का एग्जाम होता तो टाइम एंड वर्क से ज्यादा चांस होते है एस का एग्जाम होता तो टाइम एंड वर्क से ज्यादा चांस होते वही बात अगली मैंने बताई कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ये कठिन टॉपिक बन जाते हैं तो जो शिफ्ट कठिन आती है समझ लीजिए उसमें इनसे टॉपिक आएगा और परसेंटेज का बारे में पूछा जाएगा ठीक है प्रॉफिट लॉस हुआ ठीक है प्रॉफिट लॉस को भी परसेंटेज में इंक्लूड कर सकते हैं भाई कुछ भी सवाल वो मिला के बता सकते हैं एक आसान सा सवाल भी बता सकते हैं कि भाई आपने दस अमरूद खरीदे दस के हिसाब से और बीस परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिए तो बताओ आपने कितने रुपए में बेचे तो परसेंटेज इंक्लूड हो गई नहीं हो गई और प्रॉफिट लॉस भी टॉपिक हो गया एलजेब्रा एलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना मैं सही बता रहा हूं एलजेब्रा ज्योमेट्री स्टेटिस्टिक स्टेटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से करना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मीन मीडियन मोड एवरेज औसत हाइएस्ट लोवेस्ट इन सभी में स्टेटिस्टिक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ये यहां पर दे रखा है स्क्वायर रूट इसको मैं अभी बताऊंगा ये देख लो पहले ये लास्ट के टॉपिक है ये आपको शायद थोड़े से कठिन पड़ सकते हैं इनको लास्ट में करना है ना पहले आपने जो पढ़ रखे हैं आप उनको करना आपको इनमें से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है ना छोड़े छोड़ोगे तो काम बिगड़ जाएगा अब मान लो आप परसेंटेज छोड़ दो भैया बस आपका समझो काम बिगड़ गया देखो आप किसी शिफ्ट में देखोगे कि परसेंटेज से जीरो से एक सवाल आया हुआ है पर वहीं आप देखोगे कि परसेंटेज तो दस जगहों पे घुसा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में भी परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज है ना क्या पता है स्टेटिस्टिक्स में भी परसेंटेज के बेसिस पे सवाल पूछ ले तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि मिक्स टॉपिक पर सवाल आ जाते हैं दो तीन टॉपिक को मिक्स कर, कर। यहां पर मैं एक अलग से लिखता हूं सिंप्लीफिकेशन के तीन चार सवाल आते हैं सिंप्लीफिकेशन आप समझ लीजिए बॉर्ड मस के ऊपर ही आधारित रहेगा कई कई शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि पर शिफ्ट में तीन तीन चार चार सवाल सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं कि बस एक लंबा सा वो दे, दे देंगे कि इसको सिंप्लीफाई करो वही बॉडमास के ऊपर अब आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप स्पीड बढ़ाने के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्यूब और क्यूब रूट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनके ऊपर आने वाले सवाल भी देख सकते हैं है ना अभी मैं समझाता हूं कैसे करनी है आपको तैयारी जैसे कि आपने ले ली ये मैथ की बुक ठीक है किरण पब्लिकेशन की अब मैं इसको क्यों समझाता हूं मैं इसको इसलिए समझाता हूं अब मैंने आपको पूरा पेपर समझाया पूरा पेपर समझा है कि किस तरह से सवाल आते हैं पर क्या आपकी समझ में आया होगा नहीं आया होगा क्यों नहीं आया होगा क्योंकि भाई साहब जब तक आप अपनी आंखों से सवाल नहीं देख लेंगे तब तक आपकी समझ में कैसे आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं देख लोगे तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि अच्छा ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बुक ले लीजिए किरण पब्लिकेशन की बुक में पुराने पेपर आए हुए हैं मतलब सारे सवाल वो हैं जो आरआरबी में आए हुए हैं देखो सब पे लिखा हुआ है अच्छा बहुत से लोगों की दिक्कत थी कि भैया ये इंग्लिश में नहीं है मैंने बात करी वो कह रहे हैं कि इंग्लिश की आउट ऑफ स्टॉक थी वो आने वाली है वापिस से अब जैसे कि ये देखिए ये कब आया हुआ है ये कब आया हुआ है ए एल पी तीस आठ दो हजार अट्ठारह में आया हुआ है और ये भी एल पी तीस आठ दो हजार अट्ठारह में आया हुआ है देखो दोनों ही सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं यह किसका दे दिया इन्होंने फ्रैक्शन का दे दिया किसी भिन्न में जब सात बटे तीन जोड़ा जाता है तो चार प्राप्त होता है तो भिन्न क्या है ठीक है इसको वो इंग्लिश की बुक में इंग्लिश में आ जाएगा कि व्हाट फ्रैक्शन वेन एडेड टू सेवन बाई थ्री गिवस व्हाट इज द फ्रैक्शन इस तरह से करके वो दे सकते हैं सेम टाइप का सवाल ये बना दिया है ना तो अब आप समझेंगे कि ये फ्रैक्शन से आया हुआ सवाल है भाई साहब इस तरह से आप ए के और ढूंढ सकते हैं इसमें आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि देखो ग्रुप डी के भी हैं एन एन के भी हैं सब हैं ग्रुप डी का हो गया ये सी अच्छा अगली चीज अब मान लो आपने सॉल्व किया पर आपका वो आंसर नहीं आ पा रहा अब आप कैसे देखोगे तो इसमें उनके सॉल्यूशन भी हैं पूरे पूरे सॉल्यूशन हैं बाकायदा एक एक स्टेप के कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कुछ नहीं फुल स्टेप हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है जैसे सिंप्लीफिकेशन आपको सिंप्लीफिकेशन यही तो बता रहा था मैं आपको कि सिंप्लीफिकेशन के तीन तीन चार चार सवाल आ जाते हैं और वाकई में सिंप्लीफिकेशन के बहुत सवाल आते हैं जैसे कि जैसे मान लो ये सवाल है रूट वाला देखो ये स्क्वायर रूट भी घुस गया इसमें अभी मैं आपको स्क्वायर रूट समझा रहा था और जबकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सिलेबस में अलग से स्क्वायर रूट है देखो सिलेबस अट्ठारहवे नंबर पर टॉपिक है स्क्वायर रूट पर अब मान लो ये सवाल आया अब आप खुद बताओ कि इसको स्क्वायर रूट के अंदर में डालोगे कि के में डालोगे मान लो ये सवाल आया इसमें भी स्क्वायर रूट का है ये भी स्क्वायर रूट का है तो ऐसे ही कई कई सवाल ये भी स्क्वायर रूट का है देखो रूट में है पॉइंट नाइन इसका आपको मान बताना है है ना ये भी स्क्वायर रूट का है ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपको मिक्स दिखेंगे और यहां तो भाई साहब वर्गमूल वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्यूब रूट यही मैं आपको अभी समझा रहा था कि सिंप्लीफिकेशन के तीन चार सवाल आते हैं और उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और बॉर्ड मास <coughs> है वो आपको करने ही करने हैं ये देखो सब देखो बॉर्ड मास के ऊपर चल रहे हैं सारे सवाल क्या आंसर क्या आंसर है ना सब बॉर्ड मास के ऊपर चल रहे हैं सब बॉर्ड मास कैसे आपको कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है फिर कब डिवाइड सॉल्व करना है क्या करना है क्या नहीं इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस करी होती है इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस की वो बहुत अच्छे से इन सवालों को सॉल्व करते हुए ले जाते हैं है ना तो दोस्तों मैथ ऐसे नहीं होगी मैथ के लिए आपको समय देना पड़ेगा मैथ के लिए आपको बुक भी खरीदनी पड़ेगी मैं बहुत बार बच्चों को ये एग्जाम्पल देता हूँ ठीक और मैंने आपको एक ऐप के बारे में बता रखा है आप देख लेना के आई सी एक्स एप है और मेरे वीडियो में सर्च कर लेना के आई सी एक्स करके रेलवे वाला चिंकू के आई सी एक्स वो ऐप है उसमें क्या करना आप नंबर दिया होगा उसको व्हाट्सअप करना कि हम रेलवे वाला चिंकू से आए हैं ठीक और ये वाली ऐप के बारे में बता रहा था वो व्हाट्सएप करना कि हम रेलवे वाला चिंकू चैनल से आए मैं फ्री कूपन कोड दे दो वो आपको फ्री कूपन कोड देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जीरो रुपए में सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी आप ऑनलाइन खूब टेस्ट सीरीज सॉल्व करना ठीक ये बुक्स क्या हो रहे हैं भैया हाँ मैं ये समझा रहा था सब जब कुछ बात होती है तो मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि भैया जब आप लोग आप लोग का मतलब है बहुत से लोग नौकरी के लिए द, दस दस लाख रुपए लेके तो तैयार बैठे रहते हैं कि दस लाख रुपए लो नौकरी लगवा दो और सौ सौ दो सौ तीन सौ रुपये की बुक के लिए रोते रहते हैं कि हम भाई साहब बुक कैसे खरीदें बुक नहीं खरीदेंगे बुक खरीदने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए अगर एक बुक से आपके दो नंबर एक्स्ट्रा भी बढ़ते हैं ना दो नंबर सिर्फ आदमी हजारों रुपए की बुक खरीद डालेगा दो दो नंबर बढ़ाने के लिए कि होगा अब अस्सी नंबर होगा क्योंकि यार सिलेक्शन एक बार हो जाता है तो जिंदगी भर की ये आपकी एक दो दिन की कमाई है जितनी आप बुक्स खरीदोगे ना नौकरी लगते ही वो सिर्फ आपकी एक दो दिन की कमाई है और आप कहोगे अरे दो दिन में मेरी इतनी तनख्वाह हो गई कि भाई मैंने सारी बुक के रेट निकाल लिए ये देखो ए एल पी टेक्नीशियन एल पी टेक्नीशियन ए एल पी टेक्नीशियन ए एल पी टेक्नीशियन आर आरबी एल पी टेक्नीशियन सब एल पी टेक्नीशियन में आए हुए हैं ठीक है रेशो के ऊपर आए हुए सवाल हैं ए एल पी टेक्नीय ए एल पी टेक्नीशियन ए एल पी टेक्नीशियन ऐसा होता है जिस शिफ्ट में ए, ए, किसी शिफ्ट में रेशो के ज्यादा आते हैं किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के ठीक बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहां से ले लो वरना आप कहीं से भी ले सकते हो वो आपकी मर्जी है ठीक ये मैंने आपको समझाया कि आपको मैथ चार महीने में कवर करनी है मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि सीबीटी बी टू के समय आपके नए सब्जेक्ट भी आ जाएंगे और उस समय आप मैथ के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं निकाल सकते हो अभी भी कुछ डाउट रह गए हो मैथ को लेकर तो मुझे कमेंट कर देना